ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 43। ठीक है जी, इसमें हम स्टार्ट करते हैं पहले क्लिनिकल केस से। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ क्लिनिकल केस, क्लिनिकल केस। ठीक है जी, लेके अ फीमेल इज प्रेजेंटेड प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक विथ कंप्लेन ऑफ फटीग, डेजीनेस डेजीनेस लेथार्जी, डेजीनेस लेथार्जी। ठीक है जी, ऑन एग्जामिनेशन ऑन एग्जामिनेशन ऑन एग्जामिनेशन शी इज पेल एंड हर नेल हैज स्पून शेप्ड अपियरेंस, स्पून शेप्ड अपियरेंस appearance diagnosed for microcytic hypochromic anemia most likely deficiency is most likely deficiency is। ठीक है जी, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस इन द पार्ट वन एग्जाम। फीमेल इज प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक विथ कंप्लेंट ऑफ फटीग, डेजीनेस एंड लेथार्जी। व्हेन वी लुक टू द फीमेल द पार्टिकुलर पेशेंट लुक पेल, पेलर इज वन ऑफ द साइन ऑफ एनीमिया। शी लुक पेल एंड हर नेल हैज स्पून शेप्ड अपेयरेंस। इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क। ठीक है, इसकी जो नेल थी, नेल को जब हमने देख लिया तो वो क्या थी, स्पून शेप्ड। एंड व्हेन द नेल लुक लाइक स्पून शेप्ड दैट इज कॉल्ड कोएलो निकिया, कोएलो निकिया। तो सम एग्जामिनर मे बी टोल्ड यू कि ऑन एग्जामिनेशन शी हैज कोएलो निकिया। कोएलो निकिया मीन कनकेविटी इन द नेल, स्पून शेप्ड नेल, और उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। तो ऐसी इनीमिया जिसके अंदर जनाब फीमेल में स्पून शेप नेल आ जाए, दैट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ विच डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी। तो दैट इज आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया। क्लियर है, क्योंकि जो आयरन डेफिशिएंसी है इसके अंदर स्पून शेप नेल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसके साथ आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया के लिए ये भी याद रखे, अ पेशेंट इज प्रीवियसली डायग्नोस्ड फॉर आईडीए, आईडीए स्टैंड फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नाउ टेकिंग आयरन आयरन सप्लीमेंट, नाउ टेकिंग आयरन सप्लीमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी बेस्ट बेस्ट ऑर्डर टू सी आयरन इम्प्रूवमेंट या आयरन स्टेटस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आप लोगों को ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि जनाब इनीमिया है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, ठीक है, और आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया के अंदर जो एमसीवी है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, वो लेस देन 80 होता है। या तो वो आप लोगों से डायग्नोसिस पूछेगी, या आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया की पेशेंट वो लोग बताएंगे और वो कहेंगे कि जनाब वो बाहर से आयरन सप्लीमेंट ले रहा है। अब वो कौन सा टेस्ट है
जिसके जरिए हम ये देख सके कि इसकी जो आयरन स्टोर है वो बढ़ रही है कि नहीं, वो इम्प्रूव हो रही है कि नहीं। आंसर इज सीरम, सीरम फेराटिन। दिस अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टेस्ट जिस ऑर्डर फॉर द आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया। और कभी कभार तो एग्जाम में ये भी आता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया, दैट इज टू चेक फॉर सीरम फेराटिन। वी विल डिस्कस दिस टर्मिनोलॉजी, बट इतना याद रखे सीरम फेराटिन दैट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, ये आयरन की स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है जी। ओके, अब इन दो चीज़ों को जहन में रखते हुए हम आयरन डेफिशिएंसी के कुछ मजीद एमसीक्यूज क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक एक एमसीक्यूज पता चल जाए और एग्जाम में जब आप लोग बैठेंगे तो आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया के क्वेश्चन को गलत ना करें। तो देखें, इनीमिया में हमने, अब फॉर एग्जांपल पहले तो आप लोग ये याद करें कि इनीमिया जब हम पढ़ते हैं, इनीमिया के अंदर हम कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इनीमिया को देखते हैं, इनीमिया के अंदर एचबी लेवल क्या होता है, डिक्रीज, हीमोग्लोबिन लेवल की कमी को हम इनीमिया कहते हैं। एमसीवी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, इस एमसीवी की वैल्यू पे डिपेंड करते हुए कुछ इनीमियाज ऐसी होती है जिसमें एमसीवी की वैल्यू कितने से कम होती है, 80 से, फेमटोलेटर, एफ एल इज द यूनिट फॉर द एमसीवी। कुछ इनीमियाज ऐसी होती है जिसमें एम सी वी वैल्यू नॉर्मल होती है, दैट इज 80 to 100 फेमटोलेटर, और कुछ इनीमियाज ऐसी है जिसमें एम सी वी वैल्यू दैट इज मोर देन 100। तो पहले तो कंसेप्ट ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि जो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम है ये इनडायरेक्टली हमें साइज ऑफ आर बी सी बताती है, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 80 से लेके 100 फेमटोलेटर तक होता है। सो ऐसी इनीमिया जिसमें एम सी वी की वैल्यू 80 से कम हो, लोवेस्ट वैल्यू से भी कम हो, दैट इनीमियाज विल बी कंसिडर्ड एज माइक्रोसिटिक इनीमियाज, उन इनीमियाज को हम माइक्रोसिटिक इनीमियाज कहते हैं, ठीक है। और ऐसी इनीमियाज जिसमें एम सी वी की वैल्यू 80 to 100 हो बट उनमें टोटल हीमोग्लोबिन की कमी हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मोसिटिक इनीमिया, नॉर्मोसिटिक इनीमिया, या इसको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक इनीमिया, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक इनीमिया, ठीक है। और ऐसी इनीमिया जिसमें एम सी वी की वैल्यू 100 भी क्रॉस करे तो उसको हम मैक्रोसिटिक इनीमिया कहते हैं। सो दीज आर द फर्स्ट क्लासिफिकेशन बाई एवरी वन विल बी नोन। ये क्लासिफिकेशन पहले हम सीखेंगे तो हम जाकर हर एक इनीमिया की क्लासिफिकेशन और उसकी बारे में नॉलेज जो है वो आसानी से गेन सकेंगे। माइक्रोसिटिक इनीमिया के अंदर जो ओवरऑल लेवल है इसका पूरा फॉर्म माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक इनीमिया, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, और इसके बाद मैक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक इनीमिया के अंदर द फर्स्ट इनीमिया विच इज कम दैट इज आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया, तो इट इज वन ऑफ द माइक्रोसिटिक इनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया के अंदर जो ओवरऑल साइज है आरबीसी की, एच बी कम हो जाती है, साइज भी कम हो जाता है, एम सी वी वैल्यू विल बी लेस देन 80। इसके अंदर द नेक्स्ट इनीमिया इज इनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, इसमें आता है इनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर सिडरोब्लास्टिक इनीमिया, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर इज थैलेसीमिया, ठीक है, इसमें थैलेसीमिया। सो बीइंग अ डॉक्टर when we are going to discuss anemia at least we should know what are those anemias which are fall under the banner of microcytic anemias. to ye char wo anemias hai jo microcytic anemias ke andar aate hain. normocytic anemia mein aap log likh sakte hain g6pd deficiency, glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency. iske andar next aata hai पेरोक्सिस्मल नॉक्चर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, जिसको हम PNH कहते हैं, पेरोक्सिस्मल नॉक्चर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। इसका रिस्क तब भी बढ़ता है, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन CD55 की डेफिशिएंसी होती है, जिसको हम डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर कहते हैं GPI प्रोटीन एब्सेंस की वजह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। फिर नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट एप्लास्टिक एनीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, वी विल डिस्कस दिस एप्लास्टिक एनीमिया।
और नेक्स्ट इनीमिया इन रीनल फेलियर पेशेंट, ये भी नॉर्मोसिटिक इनीमिया में आती है, इनीमिया इन रीनल फेलियर पेशेंट। और ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि रीनल फेलियर पेशेंट में व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इनीमिया ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन, क्योंकि किडनी से इरिथ्रोपोएटिन रिलीज होता है और वो आरबीसी की प्रोडक्शन रेट को बढ़ा देती है। तो अगर इरिथ्रोपोएटिन की लेवल कम हो जाए तो रीनल फेलियर पेशेंट में डिवेलप इनीमिया। ठीक है, मैक्रोसिटिक इनीमिया जिसको हम मेगालोब्लास्टिक इनीमिया भी कहते हैं, इसके बारे में याद रखें इसकी दो रीजन है सिर्फ। नंबर वन, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, क्लियर है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। और नंबर टू इज कोबालामिन डेफिशिएंसी, कोबालामिन इज विटामिन B12। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड कोबालामिन डेफिशिएंसी। ये विटामिन B12 है, फोलिक एसिड इज विटामिन B9। एक दफा FCPS पार्ट वन के अंदर एक क्वेश्चन ये भी आया है पास्ट प्रीवियस पेपर में, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मैक्रोसिटिक इनीमिया इन पाकिस्तान। तो आप लोगों ने इन दोनों में से किसको चूज करना है, फोलिक एसिड डिफिशेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी में उसकी चांसेस डिक्रीज इनटेक की वजह से। दूसरी बात है फोलिक एसिड स्टोर्स इन द बॉडी फॉर मंथ्स, लेकिन B12 स्टोर इन द बॉडी फॉर ईयर्स, तो इट विल टेक टाइम, इसकी डिफिशेंसी में टाइम लगता है, बट वट एवर द डिफिशेंसी कम दैट शुड बी मोस्ट लाइकली फोलिक एसिड डिफिशेंसी, इसकी डिफिशेंसी सिम्टम जल्दी आ जाती है। तो अगर आप लोग इतना कुछ याद रखेंगे दैट विल बी मोर देन इनफ। अब हम सबसे पहले इसकी तरफ आते हैं, आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया की तरफ। तो इसके बारे में जो मेन मेन पॉइंट है सबसे पहले तो वो लिखते हैं, फिर इसके ऊपर हम उसका एमसीक्यू ड्रा करेंगे। तो पहले तो हेडिंग दे व्हाट इज आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया के बारे में ये पॉइंट्स याद रखें, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल इनीमिया वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जो न्यूट्रिशनल इनीमिया है, द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल इनीमिया वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल इनीमिया इज आयरन डेफिशिएंसी, क्लियर है, नंबर वन। दूसरी बात इसमें देखें, जब हम आयरन लेते हैं आयरन, तो आयरन फिर ब्लड में जाएगा, ठीक है, ब्लड से फिर ये टारगेट एरिया में जाएगी जहाँ पे उसको यूज़ होना है, या अगर हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा तो उसको हम स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी टेक आयरन इन द डाइट तो ये फिर GIT के किस पार्ट में से जाकर अब्जॉर्ब होती है, आंसर इज ड्यूडिनम। तो अब्जॉर्प्शन साइट फॉर आयरन, अब्जॉर्प्शन साइट फॉर आयरन, कि आयरन की अब्जॉर्प्शन साइट क्या है, ये अपना एक एमसीक्यूज है, दैट इज नोन एज अ ड्यूडिनम। ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज द मेन साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी, क्लियर है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके तीन पार्ट है और तीनों के लिए आप लोगों ने एक एक एमसीक्यूज याद रखना है। स्मॉल बाउल या स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज टोटली हैविंग थ्री पार्ट। The first part of small intestine, which is attached to the stomach, pyloric part, that is duodenum. Duodenum सबसे largest part है small intestine का. It has around about 25 centimeter length. फिर इसके बाद the next part is jejunum. फिर ये jejunum आता है और the third part of small intestine is called ileum. इसमें फिर ileum आता है, ठीक है, ये तीन parts हैं। इसका मतलब ये है if we talking about duodenum, तो ड्यूडिनम से जो डाइवेलेंट आयरन, डाइवेलेंट कैटायन वो जाती है, दैट इज आयरन। तो आयरन की जो अब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होती है, ड्यूडिनम से। और जो फंक्शनल आयरन है बॉडी के अंदर वो Fe+2 है, इसका मतलब इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, विच इज डबल पॉजिटिव चार्ज, ये डाइवेलेंट कैटायन है। तो डाइवेलेंट कैटायन फॉर्म में जो आयरन है उसकी अब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, ड्यूडिनम से। जेजुनम से किस चीज़ की अब्जॉर्प्शन होगी, फोलिक एसिड, विटामिन B9 जिसको हम कहते हैं। सो विटामिन B9 विच इज फोलिक एसिड यूजुअली अब्जॉर्ब फ्रॉम द जेजुनम पार्ट। और जो इलियम है, इलियम इसका जो लास्ट पार्ट है टर्मिनल इलियम, वहां से किस चीज़ की अब्जॉर्प्शन होती है, कोबालामिन विच इज विटामिन B12। हम विटामिन B12 को अलग पढ़ेंगे, विटामिन B9 को अलग पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज फार एज टूडे वी आर फोकसिंग टूवर्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसकी चांसेस कब होती है? व्हाई अ पेशेंट विल डेवलप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? भाई कि किन किन लोगों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस ज़्यादा हो सकती है? तो लिखे काजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी कि वो कौन कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से आयरन की कमी की चांसेस ज़्यादा हो सकती है। काजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी चांसेस कब कब ज़्यादा हो सकती है? ठीक है जी, नंबर वन, अगर हम डाइट में आयरन को क्या करें, कम लें, डाइट्री इंटेक कम करें, तो फर्स्ट इसके लेके डिक्रीज डाइट्री इंटेक, अगर आयरन को हम डाइट में कम ले लें तो उसकी डेफिशिएंसी चांसेस ज़्यादा होगी, नंबर वन। नंबर टू, अगर हम आयरन ले भी लें लेकिन वो क्या हो जाए, हाँ जी, एब्जॉर्ब ना हो जाए, ड्यूडिनल पैथोलॉजी हो, तो ड्यूडिनम के अंदर एक इन्फेक्शन होता है, दैट इन्फेक्शन इज व्हाट, द इन्फेक्शन इन द ड्यूडिनम विच कैन लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन काइलोस्टोमा ड्यूडिनले। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, इनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनले, इंपॉर्टेंट है, ड्यूडिनले, दैट इज वन ऑफ द माइक्रोबियल एजेंट विच कैन टारगेट द ड्यूडिनम, ये ड्यूडिनम को टारगेट कर देती है और ये आयरन की डेफिशिएंसी कराती है। दूसरी बात, दिस एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनले कैन कॉज इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ये ड्यूडिनम को अफेक्ट करके वहाँ से ब्लीडिंग कराता है, क्रोनिक ब्लीडिंग, और जब ब्लड आहिस्ता आहिस्ता लूज होगी तो उसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी आएगी क्या नहीं, ये भी हम सिक्यूज याद रखें, एक्यूट ब्लड लॉस और क्रोनिक ब्लड लॉस, इसमें फ़र्क है। अगर एक्यूट ब्लड लॉस आ जाए एग्जाम में, द एनीमिया विल बी नॉर्मोसिटिक एनीमिया, लेकिन अगर ब्लीडिंग आहिस्ता आहिस्ता हो रही, क्रोनिकली हो रही है, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता किस चीज़ की कमी होगी, आयरन की, तो क्रोनिक ब्लड लॉस के अंदर कौन सी एनीमिया होती है, माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो एक्यूट ब्लड लॉस स्पेशली आफ्टर द ट्रोमा, विच एनीमिया विल बी देयर, नॉर्मोसिटिक एनीमिया। अब मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, भाई एक बंदा है वो रोड ट्रिप एक एक्सीडेंट में लग जाए, एक्सीडेंट में लगने के बाद इससे ब्लड दिया तो उसका टोटल वॉल्यूम कम हो गया, मतलब ब्लड में उसका जो वॉल्यूम था वो टोटल क्या हो गया, कम, तो डिक्रीज वॉल्यूम से एनीमिया होगी, लेकिन जो सेल है उसकी साइज पे कोई असर नहीं पड़ा, वो नॉर्मोसिटिक है। और अगर कहीं से आहिस्ता आहिस्ता ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड से जनाब एच बी आयरन जो है लूज होती जा रही है, तो उसके अंदर सेल का जो साइज है वो क्या रह जाता है, छोटा, तो क्रोनिक ब्लीडिंग में माइक्रोसिटिक एनीमिया, अक्यूट ब्लड लॉस में नॉर्मोसिटिक एनीमिया। तो एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेले ये दो वजहों से आयरन की डेफिशिएंसी करा सकती है, वन इज बिकॉज ऑफ क्रोनिक ब्लीडिंग, अनदर बिकॉज ऑफ माल एब्जॉर्प्शन, इसकी अब्जॉर्प्शन को खराब कर देती है। आयरन डेफिशिएंसी आल्सो चांसेस अकर इन प्रेगनेंसी, भाई प्रेगनेंसी में आयरन की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो देखिए, या तो हम आयरन की इंटेक को कम करें, इसको हम या बाहर से कम ले लें, या इसकी डिमांड बढ़ जाए और उसकी सप्लाई हम ना बढ़ाएं, स्पेशली इन प्रेगनेंसी, और या इसकी अब्जॉर्प्शन को क्या करें, हम कम करें बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, इंटेस्टाइनल हुकवाम, ये हुकवाम है, पैरासाइट है, इंटेस्टाइनल हुकवाम है, इट कैन काज क्रोनिक ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कराता है। या फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा कोई क्रोनिक ब्लड लॉस हो, तो क्रोनिक ब्लड लॉस किस कंडीशन में हो सकती है, क्रोनिक ब्लड लॉस फ्रॉम जीएटी, इट मे बी अगर इन अनट्रीटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज, पीयूडी, पेप्टिक अल्सर डिजीज से ब्लीडिंग हो सकती है, या अ पेशेंट हैविंग कोलोन कैंसर, तो कोलोन कैंसर के अंदर भी, या कोलोरेक्टल कार्सिनोमा पेशेंट, कैन लीड टू आयरन डिफिशेंसी एनीमिया, जीआई ब्लीड हो सकती है, और दीज ब्लीडिंग्स आर ऑलवेज क्रोनिक ब्लीडिंग, ये हमारे पास क्या होती है, क्रोनिक ब्लीडिंग होती है। तो चाहे ब्लीडिंग क्रोनिक हो, या देखिए, या तो हम इसकी सप्लाई कम करें, या डिमांड ज़्यादा हो, या उसकी जनाब एक्सक्रीशन हम ज़्यादा करें, किसी भी वजह से हो, तो आयरन की डेफिशिएंसी चांसेस हो ज़्यादा होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना, वो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये याद रखें कि अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ हम जाए, क्लिनिकल फीचर, द पर्सन विल बी लुक लाइक पेलर बिकॉज ऑफ एनीमिया, द पर्सन विल बी फटीक, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, फटीक, देर विल बी डिस्पनिया, पेशेंट को जनाब डिस्पनिया होगी, ठीक है। नंबर फोर, दीज पीपल ऑल्सो हैव शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, माइल्ड शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, और
इसके बाद जो सिम्टम है ठीक है वो डिपेंड करता है कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में हो जाए, चिल्ड्रन में तो वो इसमें अलग एक फीचर है और एडल्ट में आयरन डेफिशिएंसी की फीचर अलग है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी बच्चों में हो जाए तो उसके अंदर इन फीचर, दीज आर नॉन स्पेसिफिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, इन सिम्टम्स के साथ साथ इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ पाए का, पाए का मीन ईटिंग ऑफ अनयूजुअल थिंग, हैबिट ऑफ अनयूजुअल थिंग टू ईट, जिस तरह के कुछ बच्चे होते हैं वो मट खाते हैं, मट्टी खाते हैं, कुछ बच्चे इस तरह रेत वगैरह खाते हैं, तो जो अनयूजुअल चीज़ें हैं उसकी ईटिंग हैबिट को हम क्या कहते हैं, पाइका कहते हैं। एंड दैट इज व्हेन व्हेन देयर इज डिक्रीज आयरन ठीक है। आयरन इज ऑल्सो गुड फॉर न्यूरोलॉजिकल डिवेलपमेंट, ब्रेन डिवेलपमेंट के लिए आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अनयूजुअल थिंग्स टू बी ईट ठीक है, मतलब बच्चे जो अनयूजुअल चीज़ें खाते हैं जो नहीं खानी चाहिए, स्पेशली मर्ड वगैरह या रेत वगैरह, सैंड वगैरह, इसको हम पाइका कहते हैं। सो पाइका इज अ मेन फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों के बाद अगर एडल्ट में हो जाए तो एज वी डिस्कस अर्ली इन द हाफ ऑफ दिस लेक्चर कि इन द एडल्ट देयर इज स्पून शेप्ड नेल, तो इसको हम कहते हैं ब्रिटल नेल्स। ब्रिटल नेल मीन कि अगर नेल स्पून शेप हो जाए, ब्रिटल नेल ड्यू टू स्पून शेप्ड, अगर नेल के अंदर कनकेविटी बन जाए, वो स्पून शेप्ड हो जाए, तो द नेल विल इजी टू ब्रेक। वीक नेल विच इज इजी टू ब्रेक इज कॉल्ड अ ब्रिटल नेल एंड दैट इज नोन एज अ कोएलोकोनी किया। तो एग्जाम में आप लोगों ने ये दो चीज़ें याद रखनी है कि ये फीचर, ये जो चार पांच फीचर है नॉन स्पेसिफिक फीचर, और बच्चों के अंदर फेलियर टू थ्राइव, अगर बच्चे अकॉर्डिंग टू द एज वेट भी गेन नहीं करते, वो लॉस ऑफ एपिटाइट में जाते हैं और उसमें पाए का हो, तो हम चाहते हैं कि भाई ये आयरन की डेफिशिएंसी है, तो कौन सा टेस्ट ऑर्डर करेंगे, फेराटीन चेक करते हैं। सीरम फेराटीन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके साथ अगर हम ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल बड़ों में अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें क्या होता है, कोएलोनीकिया, दैट इज अ स्पून शेप्ड नेल विच मेक द नेल बिकम ब्रिटल एंड दैट इज इजिली टू ब्रेक ठीक है जी। तो ये जनाब आयरन डेफिशिएंसी की फीचर है। अब इसके लिए के लैब इन्वेस्टिगेशंस कि हम आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया की लैब इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करेंगे, तो लैब इन्वेस्टिगेशन में इनिशियली जब हम ब्लड सीपी करते हैं उसमें ओवरऑल एचबी का लेवल क्या होता है, वो कम होता है। उसका रीज़न ये है कि इट इज़ इनीमिया, देर विल बी डिक्रीज एचबी। नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स अभी जिक्र करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर वन हम चेक करते हैं सीरम फेरिटिन, सीरम फेरिटिन चेक करते हैं। इसके बाद सीरम आयरन भी चेक करेंगे ठीक है। और थर्ड नंबर पे लेके हम परसेंट सेचुरेशन चेक करते हैं, परसेंट सेचुरेशन। और फोर्थ नंबर लिखना है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, जिसको हम TIBC कहते हैं। सो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विच इज कॉल्ड TIBC, इसको हम TIBC भी कहते हैं, TIBC। ये चार चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ओके अब यहाँ पे देखिए ये सारे रसूलुल्लाह बुक से MCQs आप लोग के एक एक लाइन में हल हो जाएंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो CPSP वाले भी पूछते हैं। इफ दिस इज अ स्टमक, स्टमक इज कनेक्टेड विद इसोफेगस इन द अपर पार्ट एंड इट इज कनेक्टेड विद द सी शेप पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज कॉल्ड ड्यूडिनम, दैट इज कॉल्ड ड्यूडिनम। अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों को पॉइंट बताने लगा हूँ, हमारे पास जो आयरन है बॉडी के अंदर, ये फूड से फेरिक फॉर्म में भी आ सकती है और फेरस फॉर्म में भी आ सकती है। दोज आयरन विच इज Fe+2 इट इज फेरस, और वो आयरन जो Fe+3 की शक्ल में है वो क्या है, वो फेरिक आयरन है। लेकिन जो फंक्शनल आयरन है वो हमारे पास कौन सी है, वो फेरस आयरन है। सो दिस आयरन इज ऑलवेज फंक्शनल आयरन, ये फंक्शनल आयरन है, ये वो आयरन है जो बॉडी के लिए हमें चाहिए, नीडेड है, दैट इज कॉल्ड फेरस आयरन। अब क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि जब दोनों आयरन हम लें, कि जो फेरिक आयरन है ये मोस्ट लाइकली वेजिटेबल के अंदर है और जो फेरस है ये यूजुअली मीट के अंदर होती है, तो यहाँ पे ये दोनों जब इस इंटेस्टाइन में आते हैं ड्यूडिनम, क्योंकि ड्यूडिनम से ब्लड में
ये अब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि अब्जॉर्प्शन साइट फॉर आयरन इज ड्यूडेनम, तो ये ब्लड तक आएंगे कहाँ से, ड्यूडेनम से. सो दिस इज द ड्यूडेनम एंड ड्यूडेनम इज द साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. क्लियर है, ये आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए है. अब यहाँ पे पॉइंट ये नोट करें कि फॉर एग्जांपल पॉइंट ये नोट करना है कि यहाँ से अगर ड्यूडेनम से आयरन ने अब्जॉर्ब होना है तो इस ड्यूडेनम के अंदर यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर आता है. विच ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड इन द ड्यूडेनम फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. दिस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इज कॉल्ड डाइमेटालिक ट्रांसपोर्टर. इसको हम डाइमेटालिक ट्रांसपोर्टर वन कहते हैं, सिंपल दैट इज DMT1. सो DMT1 इज अ डाइमेटालिक ट्रांसपोर्टर वन प्रोटीन विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द ड्यूडेनम. अब आयरन आ रहे हैं दो शक्लों में, एक फेरिक है और एक फेरस है. इसका मतलब नेचर ने, अल्लाह ने ड्यूडेनम के अंदर जो प्रोटीन रखी है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ये सिर्फ उस आयरन को ले सकता है जो कौन से मेटालिक में हो, डाई मेटालिक. तो ये Fe+2 लेगा, टू मीन डाई, ये सेकंड वाला आयरन लेगा, ये +3 नहीं ले सकता, इसलिए +3 इज नॉट ऑब्जॉर्बेबल, +2 इज इजिली ऑब्जॉर्बेबल. तो +3 को हमने रिड्यूस करके इसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करना है, +2, और +2 वाला आयरन हमारे पास किधर आ जाता है, ये ब्लड में आ जाता है. अब आयरन इन द फ्री फॉर्म इन द ब्लड इज ऑलवेज टॉक्सिक, ये टॉक्सिक है, तो आयरन को हम अकेला नहीं छोड़ सकते. तो इस आयरन को टारगेट साइट तक ले जाने के लिए इसके साथ हम एक कैरियर प्रोटीन को मिलाएंगे. द कैरियर प्रोटीन विच कैन कैरी आयरन इन द ब्लड दैट इज नोन एज ट्रांसफरिन. उस प्रोटीन का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरिन. ट्रांसफरिन इज द प्रोटीन विच कैन कैरी आयरन. इसको भी आप लोग हाईलाइट करें फॉर दी MCQs. ट्रांसफरिन इज आयरन कैरियर प्रोटीन. अब यह ट्रांसफरिन इस आयरन को आगे लेके जाएगी और जहां पे इसकी हमें जरूरत है, तो ये जनाब फॉर एग्जाम्पल अगर बोन मेरो तक ले जाएगी, बोन मेरो, तो बोन मेरो में आयरन किसकी पर्पस के लिए यूज होगी, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, हीम के लिए. ठीक है, तो जहां पे हमें आयरन चाहिए ये डिफरेंट काम करेगी, और अगर हमें नहीं चाहिए तो ये पे जाकर एडिपोज टिश्यू और मैक्रोफेजेस के अंदर स्टोर करेगी. मतलब जो स्टोरेज फॉर्म है आयरन की, स्टोरेज फॉर्म, इसको हम क्या कहेंगे, फेरिटिन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फेरिटिन. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफरिन एंड फेरिटिन. ट्रांसफरिन इज अ प्रोटीन विच कैन कैरी आयरन इन द ब्लड. ये ब्लड के अंदर आयरन कैरियर का काम करता है. जो फेरिटिन है ये आयरन की स्टोरेज फॉर्म का काम करता है. ठीक है जी, सो दैट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन. अब क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहां से हम देखें कि ट्रांसफरिन फॉर एग्जाम्पल ये स्टोरेज फॉर्म है. ठीक है, अब इस ट्रांसफरिन के साथ जितने आयरन बाइंड है, अमाउंट ऑफ द आयरन बाइंडेड टू ट्रांसफरिन, दैट इज कॉल्ड परसेंट सेचुरेशन. फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस तरह याद रखें, ये गाड़ी है, ये ट्रांसफरिन गाड़ी है, इसके साथ कितनी सीट्स है, 4 सीट्स है. एक इस सीट पे आयरन बैठा हुआ है, इस सीट पे भी आयरन बैठा हुआ है. अब ये हाफ गाड़ी फुल है, हाफ गाड़ी स्टिल एम्प्टी है, इसका मतलब इसकी सिचुएशन कितनी परसेंट है, 50%. मतलब जितना आयरन इस ट्रांसफरिन के ऊपर हो उसको हम परसेंट सिचुएशन कहते हैं. इसकी कितनी परसेंट एबिलिटी है मजीद कि वो अपने आप को आयरन बाइंड करे, 50%. तो उसको हम क्या कहेंगे, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी. ये कितना परसेंट सेचुरेट है, 0%. तो अगर गाड़ी बिल्कुल खाली है तो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी. अब क्वेश्चन ये है कि अगर गाड़ी बिल्कुल फुल हो जाएगी तो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी 0 हो जाएगी. अब आते हैं हम अपनी तरफ, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी है. तो अब इसका मतलब हमने स्टोर भी, अब देख इंसान के पास जेब के पैसे ख़त्म हो तो वो स्टोर से लेता है. इधर देखे, अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो स्टोर भी तो ख़त्म हो जाते हैं ना, फेरेटिन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा. तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सीरम फेरेटिन लेवल क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जो आयरन है वो ब्लड में क्यों कम है. इधर देखें, जब ब्लड में आयरन कम होता है तो बॉडी आयरन की कमी को पूरी करने के लिए कहाँ से लेता है, फेरेटिन से. और अगर फेरेटिन भी सारा यूज अप हो जाए और फिर भी हम बाहर से आयरन ना लें तो फिर इंसान पे आयरन डिफिशेंसी की सिम्टम्स आ जाती है. तो अगर आयरन यहाँ पे कम है, इसका मतलब कि स्टोर भी नहीं है, तो स्टोरेज साइट पे आयरन की लेवल क्या होगी, कम. सीरम फेरेटिन कम, तो सीरम आयरन क्या होगा, ये भी कम होगा, सीरम आयरन कम. और मैंने बताया था
कितने आयरन इसके ऊपर लगेंगे, ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे? ट्रांसफरिन के साथ आयरन की जो बाइंडिंग है वो ज्यादा होगी कि कम होगी? वो कम इसलिए होगी कि आयरन है ही नहीं, डेफिशिएंट है, तो इसके ऊपर तो आयरन नहीं बैठेगी ना, तो परसेंट सेचुरेशन क्या होगी, वो कम होगी। क्योंकि परसेंट सेचुरेशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि इट इज द आयरन विच इज अटैच टू द ट्रांसफरिन। तो अगर आयरन है नहीं तो ट्रांसफरिन तो क्या रहेंगे, खाली रहेंगे, तो परसेंट सेचुरेशन विल बी डिक्रीज। लेकिन अब इस ट्रांसफरिन की जो कैपेसिटी है आयरन लेने की, वो ज्यादा है कि कम है? वो ज्यादा है, तो टीआईबीसी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। भाई ये लिख ले, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठ जाए और जब भी बैठ जाए, दिस इज वन ऑफ द एमसीक्यूज क्वेश्चन। द ओनली माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया वेयर टीआईबीसी इज रेज एंड अदर पैरामीटर इज ऑलवेज डिक्रीज, दैट विल बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमने जिस तरह जिक्र की है, तो आयरन डेफिशिएंसी के अंदर ओवरऑल जो एमसीवी वैल्यू है वो क्या रहेगी, लेस देन 80 रहेगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव फ्रॉम द लैब इन्वेस्टिगेशन। इन सब में से इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मोस्ट एक्यूरेट जो हमें आयरन की स्टेटस बताए वो क्या है, दैट इज सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन नहीं है तो इसका मतलब सीरम आयरन भी नहीं होगा। सीरम आयरन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीरम फेरेटिन भी, ये ना होने का मतलब शायद वहां से थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाए, शायद अर्ली डेफिशिएंसी हो। तो हम किस को चेक करके पूरा आयरन स्टेटस बता सकते हैं, सीरम फेरेटिन की स्टेटस, ठीक है? तो सीरम फेरेटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक फॉर द आयरन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लेके के Fe+2 फेरस फॉर्म फेरस आयरन इज प्रेजेंट इन, ये कहां पे होता है, फेरस आयरन इज प्रेजेंट इन। हाँ जी, आंसर इज हमने कहा था कि जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर जो हीम पार्ट है इसमें क्या होता है, आयरन। इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन कंटेन विच फॉर्म ऑफ आयरन, फेरस फॉर्म। अगर फॉर एग्जांपल बट इफ हीमोग्लोबिन Hb कंटेन फेरिक आयरन, अगर इसमें ये आयरन फेरस की बजाय क्या हो जाए, फेरिक, ये फंक्शनल रहेगा कि नॉन फंक्शनल, ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा, देन इट इज नोन एज व्हाट, आंसर इज मिथ हीमोग्लोबिन। इसको हम क्या कहते हैं, मिथ हीमोग्लोबिन। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आयरन जो हीमोग्लोबिन के अंदर नॉर्मली फेरस फॉर्म में होती है, अगर वो रिप्लेस हो जाए फेरिक फॉर्म में, उसको हम क्या कहेंगे, मिथ हीमोग्लोबिन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन ये आप लोग लेके कि अ पर्सन प्रीवियसली नॉन केस ऑफ आईडीए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रोग्रेसिवली डिवेलप्ड डिस्फेजिया डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग एंड अपर जीआई एंडोस्कोपी शोज एबनॉर्मल म्यूकोजल ग्रोथ ऑफ एसोफेजियल म्यूकोजा। मोस्ट लाइकली कंडीशन इज ये क्या हो सकती है, व्हाट इज दिस, प्रीवियसली नोन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है पेशेंट को, ठीक है, उसको पहले से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब जनाब वो प्रेजेंट कर चुका है विद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया। डिस्फेजिया इज अ डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग द फूड। अगर फूड खाने के दौरान पेशेंट को पेन हो तो उसको क्या कहेंगे, उडाइनोफेजिया। उडाइनोफेजिया इज अ पेनफुल स्वॉलोइंग, डिस्फेजिया इज अ डिफिकल्टी इन द स्वॉलोइंग, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिस्फेजिया है, और एंडोस्कोपी हमें यह बता रही है कि जो इसोफेगस की म्यूकोजल लाइनिंग है
इससे एबनॉर्मल क्या निकली है, और ग्रोथ निकली है। सो दिस इज कॉल्ड इसोफेजियल वेब। ये क्या बता रही है, इसोफेजियल वेब। इस पेशेंट के अंदर कितनी चीज़ें इकट्ठी हो गई, हाँ जी तीन चीज़ें। हाँ बताए, ऐसा केस जिसमें एक ट्राइएड पाए जाए। ट्राइएड इज कम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। कौन कौन सी चीज़ें, नंबर वन इस पेशेंट में, नंबर वन देयर इज आयरन डेफिशेंसी नीमिया, नंबर टू देयर इज डिस्फेजिया। डिस्फेजिया इसको इसलिए है कि इसकी जो इनर लाइनिंग है, म्यूकोजा इसोफेजियल लाइनिंग है, अब वो ल्यूमिन की तरफ आउट ग्रोथ कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इसोफेजियल वेब। एबनॉर्मल आउट ग्रोथ फ्रॉम द इसोफेजियल म्यूकोजल लाइनिंग, दैट इज कॉल्ड इसोफेजियल वेब। और ये जो म्यूकोजल लाइनिंग है, देखिए अगर ये इसोफेगस है, इट इज अ फूट फाइव, अगेन इट इज हाउ मच सेंटीमीटर इन लेंथ, 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। इफ दिस इज इसोफेगस, इसोफेगस इज अ फूट फाइव, इसकी जो म्यूकोजल लाइनिंग से एबनॉर्मल ग्रोथ निकलती है, सो इट कैन इंक्रीज द रिस्क फॉर ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इससे क्या हो सकती है, ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर फूड को स्वालो करने के दौरान पेशेंट विल फील डिफिकल्टी, उसको डिफिकल्टी होगी। तो ये तीन चीज़ें अगर इकट्ठी एक पेशेंट में आ जाए, एनी वन कैन आंसर वट इज दिस सिंड्रोम इज ऑल अबाउट, दैट इज कॉल्ड प्लमर वेंसन सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड प्लमर वेंसन सिंड्रोम। सो प्लमर वेंसन सिंड्रोम, प्लमर वेंसन, दीज वॉज टू कुलीग्स, प्लमर एंड वेंसन, ये इन कुलीग्स ने जनाब इस पेशेंट को डायग्नोज किया था, इसलिए आज तक इसको लोग क्या कहते हैं, प्लमर वेंसन सिंड्रोम। और इसको लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि प्लमर वेंसन आज जो है ना, वो दोनों क्या है, वो डाई है, वो मर चुके हैं। तो डाई के अंदर क्या है, डी फॉर डिस्फेजिया, आई फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और ई फॉर इसोफेजियल वेब। सो इफ यू रिमेंबर दिस मच, डी आई ई, डिस्फेजिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्लस इसोफेजियल वेब, दीज थ्री थिंग्स कंबाइंडली टुगेदर इन अ सिंगल पेशेंट नोन एज प्लमर वेंसन सिंड्रोम। तो जब तक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात आएगी, देयर शुड बी अ केस ऑफ व्हाट, प्लमर वेंसन सिंड्रोम। हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ प्लमर वेंसन सिंड्रोम को हम साइड पे नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज हाईली टेस्टेड एमसीक्यूज क्वेश्चन इन द एग्जाम। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे आयरन डेफिशिएंसी के साथ, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप लोगों को हाईलाइट कर चुका हूँ। ठीक है, अनदर क्वेश्चन टू रिमेंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके क्लिनिकल केस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लिनिकल केस लेके, अ पेशेंट रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर, या अ पेशेंट नॉन केस ऑफ सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, एसएलई, फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स, फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स, बट नाउ these days develop fever, fatigue pallor, and investigation shows decrease serum iron but increase भी बता सकते हैं और normal भी, दोनों ferritin diagnosis। ठीक है, इसकी diagnosis अब हम पढ़ेंगे, इसकी diagnosis क्या है। patient is a known case of SLE, उसको कोई autoimmune disease है, SLE, systemic lupus erythematosus, as we discussed earlier, इसमें hematological involvement भी होती है। ठीक है, so there is from the last few month, मतलब कोई chronic condition में वो मुबतला है, but these days, इन दिनों
शी डिवेलप द पेशेंट डिवेलप सडन आंसेट फीवर। ये क्या शो कर रहे हैं? इस पेशेंट को एसएलई के ऊपर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, क्योंकि इसमें वैसे भी पेशेंट की जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है तो उस पर रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होती है। साथ में फटीक भी है, पेलर भी है, और इन्वेस्टिगेशन में सीरम आयरन कम है, फेराटिन नॉर्मल है और HBB कम आता है इसका। तो इसका मतलब ऐसी एनीमिया के सिम्टम जो किसी क्रोनिक डिजीज़ के टॉप पर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। दिस इज कॉल्ड अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ दैट द पेशेंट इज प्रीवियसली वेल बी अनोन केस ऑफ क्रोनिक कंडीशन। चाहे वो SLE हो, रूमाटॉइड आर्थराइटिस हो, या है कैंसर पेशेंट हो, कोई मेलेग्नेंसी हो, उसमें अगर पेशेंट के अंदर एनीमिया की पिक्चर ऐसी आ जाए जिसमें सीरम आयरन कम हो जाए बट सीरम फेराटिन या नॉर्मल हो या ज़्यादा, दैट विल बी अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। लोग क्या गलत करते हैं एग्जाम के अंदर, वो सीरम आयरन को कम देख कर कहते हैं कि देर इज आयरन डिफिशेंसी एनीमिया। इट इज़ नॉट आयरन डिफिशेंसी एनीमिया अनटिल अनलेस देर इज नो डिक्रीज सीरम फेराटिन। क्योंकि आयरन डिफिशेंसी में वट इज़ हैपन टू सीरम फेराटिन? इट वॉज डिक्रीज। तो सीरम फेराटिन कम होता है, पर्सन सेचुरेशन भी कम होता है, द ओनली थिंग टू बी रेज इज TIBC, वो आयरन डिफिशेंसी है। अब इसकी ट्रिक में मैं बाद में जाता हूँ, नंबर वन लेके MCQs, हु इज विच इज द मेन सब्सटेंस या प्रोटीन विच प्ले रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखें कि वो कौन सी सब्सटेंस है या प्रोटीन है जो अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज के अंदर मेन रोल प्ले करती है। दैट इज कॉल्ड हेप्सिडिन, दैट इज हेप्सिडिन। तो हेप्सिडिन इज अ प्रोटीन दैट इज मेनली कम फ्रॉम द लीवर। ये कहाँ से आती है? लीवर से। एंड दिस प्रोटीन प्ले अ मेजर रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो ये जनाब सिंथेसाइज इन लीवर। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखते हैं फॉर द MCQs पर्पस, ताकि आप लोगों को इसकी मैकेनिज्म का भी पता चल जाए इसके अंदर होता क्या है एंड व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, कि भाई इसकी मैकेनिज्म हमारे पास कौन कौन सी है और इसके अंदर जनाब पेशेंट को एनीमिया क्यों होता है इन केस ऑफ अ क्रोनिक कंडीशन या क्रोनिक डिजीज में एनीमिया की वजह क्या है, तो उसको हम देखते हैं। तो ऊपर लेके हेडिंग मैकेनिज्म मीन पैथोजेनेसिस, कि पैथोजेनेसिस क्यों होती है। डॉक्टर्स को पहले पहले इस एनीमिया का पता ही नहीं था कि अभी क्रोनिक डिजीज के अंदर एनीमिया क्यों होती है। फिर बाद में जब रिसर्चेस हो गई, इसके ऊपर पूरा वर्कअप कर दिया, तो आखिर में डॉक्टर्स केम टू नो कि वाई देयर इज एनीमिया इन केस ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो यहाँ पे देखें, डॉक्टर्स ने ये मैकेनिज्म मालूम किया बाद में, इसमें भी आप लोगों को एक दो MCQs सामने आ जाएंगे, सुन लें। अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट में हिस्ट्री हो, एग्जामिनर ने कोई पॉइंट दिया हो और उसमें हिस्ट्री कोई क्रोनिक कंडीशन या डिजीज की हो, इसमें आप लोगों को वो पॉपुलरली SLE दे सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज है, रूमाटॉइड आर्थराइटिस बता सकते हैं। रूमाटॉइड आर्थराइटिस भी हमने डिस्कस किया है, इट इज़ वन ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज, मेनली अफेक्ट सिमेट्रिकल जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स अफेक्ट करती है। मॉर्निंग स्टेपनेस लास्ट फॉर मोर देन 1 आवर, और जितना बंदा काम करेगा तो उसकी जो स्टेपनेस है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। या इसके बाद आप लोगों को वो बता सकते हैं कि पेशेंट विल बी कैंसर पेशेंट आर मेलिग्नेंसी। ओके, इन सब कंडीशन की वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट, इसमें जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इस इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट पे, बिकॉज ऑफ दिस इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट देर इज रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन लोगों के अंदर बार बार रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो देर इज रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब जब डॉक्टर्स ने, रिसर्च वालों ने ये देखा कि भाई
बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है, अब बैक्टीरिया ट्राई टू डैमेज दिस कंडीशन बिकम मोर वर्सन, ये इसको मजीद जो है ना खराब करने की कोशिश करती है। लेकिन दिस बैक्टीरिया बैक्टीरिया नीड नीड सीरम आयरन फॉर द सर्वाइवल। इसका मतलब ये है कि जो हमारी आयरन है सीरम आयरन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी बूस्टिंग पर्पसेस फॉर द बैक्टीरियल सर्वाइवल, कि भाई बैक्टीरिया स्टे इन द बॉडी एज फार एज लॉन्ग इफ द बैक्टीरिया रिसीविंग एडुकेट अमाउंट ऑफ सीरम आयरन। इसको सीरम आयरन मिलेगी तो बैक्टीरिया क्या करेगी, ग्रो करेगी। अब इधर देखें ये बैक्टीरिया ये क्या करती है, इस सीरम आयरन पे गुजारा करती है ऐसा है ना, और सीरम आयरन को किसके लिए यूज करती है, अपनी एनर्जी के लिए ताकि उसको वो सर्वाइव। और बैक्टीरिया इन कंडीशन को क्या करती है, वर्सन बनाती है। अब इन कंडीशन के तहत लीवर जो है लीवर एक इंटर लीवर इधर देखे इन कंडीशन में इन क्रोनिक कंडीशन में देयर इज अ केमिकल मीडिएटर रिलीज दैट इज कॉल्ड IL-6। ये भी नोट करें इन मेजॉरिटी ऑफ द क्रोनिक कंडीशन डिफरेंट केमिकल मीडिएटर आर रिलीज साइड बाय साइड। तो इन क्रोनिक कंडीशंस के अंदर चाहे जो भी आप लोग ले लें लेकिन मसला क्रोनिक हो तो उसमें एक किस्म की इंटरल्यूकिन सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है प्रोटीन जिसको हम क्या कहते हैं IL-6। वैसे इंटरल्यूकिन की जो टाइप्स है वो इंटरल्यूकिन 1 से लेके 18 तक है। तो ये हमारे पास IL-6 दिस IL-6 इंटरल्यूकिन विल रीच इज इन टू द लीवर एंड लीवर विल प्रोड्यूस वट आंसर इज हेप्सडिन। ये हेप्सडिन रिलीज करेगी ड्यू टू द इन इफेक्ट ऑफ दिस IL-6। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरल्यूकिन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस हेप्सडिन इन केस ऑफ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आंसर इज IL-6 इंटरल्यूकिन 6। अब जब हेप्सडिन आती है हेप्सडिन इस बैक्टीरिया को देखती है कि यार ये तो आयरन खाकर उस कंडीशन को खराब करती है, तो ये हेप्सडिन क्या करती है, हेप्सडिन कैन हाइड दिस आयरन, ये इस आयरन को क्या करती है पकड़ लेती है। सो इट विल इट हाइड द आयरन इनसाइड एडिपोज टिश्यू एंड मैक्रोफेजेस। देखिए बहुत आसान कंसेप्ट है, इसका मतलब यह है कि क्रोनिक कंडीशन में क्या था साइड बाय साइड रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते थे एंड दैट बैक्टीरिया सर्वाइव ऑन सीरम आयरन टू कॉज दिस कंडीशन टू बी वर्सन। अब क्या होता है कि जो ये कंडीशन होती है क्रोनिक इसमें क्या प्रोड्यूस होता है IL-6 IL-6 goes into the liver and it releases of hepcidin. अब जब hepcidin release होगा hepcidin इस iron को क्या करेगा hide करेगा, वो serum हम इसमें iron ले रहे हैं iron food में भी आ रहा है iron normally absorb भी हो रहा है लेकिन जो iron blood में आ रहा है उसको hepcidin कहाँ तक ले जाता है macrophages या adipose tissue में उसको store कर देती है। So what will happen to the serum iron? हाजी serum iron कम हो जाता है क्योंकि जो आयरन हमें सीरम में मिलता है वो तो हेप्सडिन किधर ले जाता है स्टोरेज फार्म पे ले जाता है, तो सीरम आयरन क्या होगा कम। जब आयरन नहीं है तो हीम बनेगा, हीम कंटेन आयरन, तो जब हीम नहीं बनेगा हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो एनीमिया हो जाएगा। तो देयर विल बी एनीमिया लेकिन इस एनीमिया की जो रीजन है वो क्या है, वो हेप्सडिन है कि वो सीरम आयरन को क्या करता है हाइड। सो द मेन रोल प्लेड इन द पैथोजेनेसिस बाय एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज आंसर इज हेप्सडिन। और हेप्सडिन की जो रिलीज है वो किस इंटरल्यूकिन पे डिपेंडेंट है, इंटरल्यूकिन 6 पे डिपेंडेंट है। अब क्लियर ये क्वेश्चन याद रखना है कि सीरम आयरन कम है लेकिन आयरन कहाँ पे बढ़ रही है, स्टोरेज साइट पे बढ़ रही है। तो ऐसा एनीमिया जिसमें सीरम आयरन अगरचे कम हो जाए लेकिन सीरम आयरन में नॉर्मल आर इंक्रीज एट द स्टोरेज साइट दैट विल बी एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो कैसे आप लोगों को इस एनीमिया क्रोनिक डिजीज का पता चलेगा कि आप लोगों को तो पहले से केस में कोई क्रोनिक कंडीशन बताया होगा कि पेशेंट को यार रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या SLE है कैंसर है, और उसके बाद जो पिक्चर आएगी एनीमिया की उसमें सीरम आयरन अगरचे कम होंगे लेकिन सीरम फेरेटिन एट द स्टोरेज साइट क्या होंगे वो ज़्यादा होंगे क्योंकि हेप्सडिन इसको बार बार क्या करेगा उस एरिया में हाइड करके स्टोर करेगा। इसकी ट्रीटमेंट अगर आ जाए ट्रीटमेंट अंडरलाइंग काज को ट्रीट करते हैं रिमूव द ऑफेंडिंग या रिमूव अंडरलाइंग काज, कि जो काज है डिजीज है उसको हम क्या करते हैं टारगेट करते हैं। सो रिमूव अंडरलाइंग काज, हम अंडरलाइंग काज को देखकर
उसको फिर ट्रीट कर देते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स जनाब आप लोगों ने याद रखना है फॉर स्पेशली एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट तो इसमें जनाब एक और कंडीशन की तरफ जाते हैं क्लिनिकल केस लेके इम्पोर्टेंटली, क्योंकि एनीमिया से तो टनाम्स एमसीक्यूज आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल केस। ओके, क्लिनिकल केस में हमने अभी जनाब एक और पॉइंट की तरफ जाना है, क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट, क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक विथ कंप्लेन ऑफ सडन ऑनसेट डिजीनेस, इजी फटिगेबिलिटी, इजी फटिगेबिलिटी, इजी फटिगेबिलिटी, पेलरनेस ऑन द स्किन, पेलरनेस ऑन द स्किन ऑन पल्पेशन, ऑन पल्पेशन ऑन पल्पेशन द लीवर इज इनलार्ज्ड एंड इन्वेस्टिगेशन शोज डिक्रीज HB नॉर्मल आयरन, नॉर्मल फेरेटिन, नॉर्मल फेरेटिन एंड बोन मैरो एस्पिरेट शोज, बोन मैरो स्पिरिट शोज रिंग्ड सिडेरोब्लास्ट। ये तो बहुत आसान कर दिया मैंने, रिंग सिडेरोब्लास्ट, क्योंकि इसकी डायग्नोस्टिक है ब्लास्ट सेल, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। जब भी रिंग सिडेरोब्लास्ट आ जाए तो दैट विल बी विच एनीमिया, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। अब इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, दैट इज सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। देखें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन सीरम आयरन क्या थी, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर करें सारे। जब हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ रहे थे तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर व्हाट हैपन टू सीरम फेरेटिन, इट इज डिक्रीज। सीरम आयरन क्या है वो भी कम है। एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज के अंदर सीरम आयरन क्या है वो कम है, लेकिन सीरम फेरेटिन या नॉर्मल है या ज़्यादा है। इसमें सीरम आयरन और सीरम फेरेटिन क्या है, दोनों ठीक है। इसका मतलब कि ये एनीमिया ऐसी एनीमिया है कि जो आयरन से रिलेटेड हो नहीं है। तो आयरन से रिलेटेड नहीं है, ये प्रोटोफोरपायरिन रिंग का मसला होता है। किसका? प्रोटोफोरपायरिन रिंग कहाँ पे होता है? इनसाइड दी हीमोग्लोबिन। इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म को समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर छुपी हुई कुछ फार्माकोलॉजी भी है फॉर द इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो वो आप लोगों ने याद रखनी है। सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, पहले तो देखें जितने भी लोग आप एनीमिया के एमसीक्यूज हल करेंगे, ये मैं सब स्टूडेंट्स को एक फार्मूला बताता हूँ, क्योंकि एनीमिया के अंदर तो किस चीज़ का लेवल कम होता है, हीमोग्लोबिन HB। देखे ये 12 ग्राम पर डीएल तक मेल फीमेल में वेरी करता है। देखे हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से बना है, ये हीम से बना है, हीम, और किस से बना है, ग्लोबिन से बना है, हीम एंड ग्लोबिन। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको मजीद स्प्लिट करें तो हीम इज फर्दर कंपोज ऑफ आयरन एंड इट इज कंपोज ऑफ प्रोटोफोर पायरिन, प्रोटो
फोर पायरिन रिंग, ठीक है, ये एक रिंग होता है प्रोटोफोर पायरिन रिंग, इसके साथ अगर हम आयरन को मिलाए तो इससे क्या बन जाता है, हीम बन जाता है। और हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन अगर हम हीमोग्लोबिन ए की बात करते हैं, ए स्टैंड फॉर एडल्ट हीमोग्लोबिन, तो उसमें कितने चेन अल्फा होते हैं, टू अल्फा चेन, और इसमें टू बीटा चेन होते हैं। ये वैसे आप लोग स्प्लिट करके हीमोग्लोबिन को इस नज़र से भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्विकली इसके साथ साइड पे एक एमसीक्यू देखें, जो एच बी टाइप से, एच बी टाइप्स बच्चों में कौन सा हीमोग्लोबिन होता है, हाँ जी एच बी एफ फीटल हीमोग्लोबिन, इसकी ग्लोबिन चेन किससे बनती है, टू अल्फा टू गेमा, इस किससे बनती है, टू अल्फा टू गेमा। हम में एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन क्या होता है, एच बी ए, एच बी ए किससे बनता है, टू अल्फा टू बीटा चेन से, ठीक है, टू अल्फा एंड टू बीटा। फिर एडल्ट के अंदर जो रेयर टाइप है 5% एच बी ए टू होता है, उसमें जो चेन है वो टू अल्फा एंड टू डेल्टा होता है। तो ये भी हमसे क्यूज आता है कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन एंड देयर डिफरेंट ग्लोबिन कॉम्बिनेशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन इन हीमोग्लोबिन दैट इज स्पेशली कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लाइफ आइदर प्रीनेटल बिफोर द बर्थ या आफ्टर द बर्थ, आंसर इज अल्फा चेन। चाहे अल्फा चेन जब भी हो, चाहे प्रीनेटल लाइफ हो या पोस्टनेटल लाइफ हो, बिफोर द बर्थ या आफ्टर द बर्थ की बात कर रहा हूँ, कौन सा चेन कांस्टेंट आता रहता है, अल्फा चेन। तो अगर ये गामा है फीटल हीमोग्लोबिन है, अगर ये बीटा है एच बी ए है, और अगर डेल्टा है तो एच बी ए टू है, ये हम एच बी ए की बात करते हैं, ठीक है, ओके। अब मुझे इधर थोड़ा सा फोकस करेंगे, माइंड बनाए, देखे कुछ लोग इस तरह एग्जाम इस तरह ही पास होते हैं, आप लोग माइंड बनाते हैं और इसको अपने लिए बहुत सुपर इजी बनाते हैं, आसान। अगर हम ऐसा करें, फॉर एग्जांपल ये ट्रिक्स समझने की कोशिश करें, ये आयरन है ये बाहर से हम नहीं ले रहे हैं, ये आयरन आ रही है लेकिन जीआईटी से इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, या ये आ रही है लेकिन ये जीआईटी से लूज हो रही है, या ये आ रही है लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, या आ रही है कम आ रही है, क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है प्रेगनेंसी, उन सब कंडीशन में किस चीज़ की कमी हो जाती है, आयरन। तो अगर ये आयरन कम हो जाए, सुन ले, अगर ये आयरन कम हो जाए तो प्रोटोफोर पायरिन अकेला रह जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये आयरन अब नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो क्या चीज़ अकेला रह जाएगा, प्रोटोफोर पायरिन। तो हीम बनेगा, नहीं बनेगा, जब हीम नहीं बनेगा हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो हीमोग्लोबिन का कौन सा पार्ट, ये पार्ट खराब होगा कि नहीं, तो ये जनाब छोटा रह जाएगा, क्या रह जाएगा, छोटा। तो जो साइज है सेल का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो माइक्रोसिटिक होगा कि मैक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक। इसलिए जो आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया होती है वो क्या है, वो माइक्रोसिटिक। तो अगर एच बी नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इशू की वजह से, आयरन की कमी की इशू की वजह से कौन सा एनीमिया आएगा, आंसर इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये भाई आप लोगों के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड पॉइंट्स बता रहा हूँ जो बुक्स में भी नहीं है, दैट इज वन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंसेप्ट। अब सुन ले, अगर मैं कहता हूँ यार ये आयरन आ रही है, हम फूड भी ले रहे हैं, ठीक है, हम बाहर से फूड ले रहे हैं और भाई उसमें हमें अच्छा खासा क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, लेकिन मसला ये है, अब मसला ये है कि हम आयरन तो ले रहे हैं, अब देखें एक और एमसीक्यूज भी याद रखें, वो कौन सा विटामिन है, कौन सा विटामिन है जो आयरन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाए, आंसर इज विटामिन सी। सिट्रिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कार्बिक एसिड भी कहते हैं, स्कार्बिक एसिड जो विटामिन सी है, जो सिट्रस फूड जितने भी है ये आयरन की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अगर आयरन आ जाए ब्लड में लेकिन उस पेशेंट को प्रीवियस कोई क्रोनिक डिजीज हो, तो उसका जो हेप्सोडिन है वो आयरन को ब्लड में छोड़ेगा या स्टोरेज साइट पे ले जाएगा, स्टोरेज साइट पे, जब आयरन हेप्सोडिन स्टोरेज साइट पे ज्यादा लेके जाएगा तो सीरम आयरन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसमें भी आयरन डिफिशियंसी होगी लेकिन सीरम फेरेटिन क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो ऐसे एनीमिया को हम क्या कहेंगे, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ऐसा है कि नहीं, दैट इज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। अब क्वेश्चन ये है भाई, सीरम आयरन भी ठीक है, उसकी स्टोरेज भी ठीक है, फेरेटिन भी ठीक है, सो दिस आयरन वेन, ये जीत गया, ये ठीक है, लेकिन आयरन के लिए कौन सी चीज नहीं तैयार है, प्रोटोफोर पायरन। अगर इसके अंदर इशू आ जाए, सो कैन दिस आयरन मेक हीम, नो, फिर भी हीम नहीं बनेगी, तो
तो फिर भी हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी आएगी कि नहीं आएगी? सो दैट विल बी व्हाट, इफ एनीमिया अकर इन अ पेशेंट व्हेन द प्रॉब्लम लाइज स्पेशली इन विच रिंग, प्रोटोफोरपायरिन रिंग, दैट इज कॉल्ड सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। इसको क्या कहते हैं? सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। अब क्वेश्चन ये है, अगर इस ग्लोबिन चेन का इशू आ जाए, ग्लोबिन चेन अंडर प्रोड्यूस हो जाए, वो अपनी नॉर्मल से कम पैदा हो जाए, तो इससे किस चीज़ की चांसेस होगी? आंसर इज थैलेसीमिया। तो अगर अल्फा चेन का इशू है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन का इशू है तो बीटा थैलेसीमिया। तो हमने जो माइक्रोसिटिक एनीमियास पढ़े थे वो कितने थे? वो चार थे। तो चार, ये दो आयरन के साथ प्रॉब्लम में आती है, एक सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया प्रोटोफोरपायरिन रिंग का इशू है, और अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया डिपेंडिंग अपॉन दी ग्लोबिन चेन। अब आप लोगों को एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लगा हूं, हेडिंग द सिंथेसिस ऑफ हीम, कि भाई हीम की सिंथेसिस किस तरह होती है, हाउ हीम इज सिंथेसाइज, सिंथेसिस ऑफ हीम। ठीक है, ओके, हम मजीद आगे देखें, कुछ एमसीक्यूज ये भी पढ़ेंगे। इफ दिस इज अ सेल, सुन ले, दिस इज अ सेल, दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है? दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल की क्या होती है? पावर हाउस होती है। अब सुन ले, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है, देखिए, वन, इसका वन भी यहाँ से स्टार्ट होता है और हंड्रेड भी इधर आता है। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन जो स्टार्ट भी साइटोप्लाज्म में हो जाए और एंड भी साइटोप्लाज्म में हो जाए, इसका बेस्ट एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस है। ये भी हमसे क्यूज आता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलिसिस सेल के कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। कुछ रिएक्शन ऐसे है कि जिसकी वन भी माइटोकॉन्ड्रिया में है और हंड्रेड भी माइटोकॉन्ड्रिया में है। इसमें बहुत सी रिएक्शन है, लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल क्रेब्स साइकिल है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये एमसीक्यूज याद रखे, ग्लाइकोलिसिस सेल के कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। वजह क्या है? रीजन इज कि ऑल दोज एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलिसिस, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और इन दोनों की जो एंजाइम रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब मुझे ये बताएं, इधर देखें, ये एक और जनाब हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक और रिएक्शन है, इसका वन किधर है? हाँ जी, वन ये किधर है? माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन इसका हंड्रेड किधर है? साइटोप्लाज्म में। तो कुछ प्रोसेसेस ऐसी है जिसके कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं तो कुछ साइटोप्लाज्म में, दोनों में होते हैं। उनमें से एक प्रोसेस का नाम हीम सिंथेसिस है। ये एमसीक्यूज आते हैं। तो हीम सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, के बोथ में, इट अकर इन बोथ। यहाँ पे तो लिखे इट्स दीज स्टेप्स पर हीम सिंथेसिस अकर इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। Can anyone in the class tell me what are those other processes which occur in both mitochondria and cytoplasm? भाई मैं तो आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ quickly, किसी ने नोट करना है तो नोट करे, इट विल हेल्प यू रिगार्डिंग biochemistry exam in the MCQs question. Hug, hug के अंदर what is H for? H stand for heme synthesis. जो अभी हम पढ़ेंगे, heme synthesis की कुछ steps कहाँ पे होती हैं? Mitochondria, और कुछ कहाँ पे होती हैं? Cytoplasm में। हाँ जी, यू स्टैंड फॉर यूरिया साइकिल और जी स्टैंड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये भी बायोकेमिस्ट्री के फेवरेट क्वेश्चंस है। हीम सिंथेसिस, यूरिया साइकिल एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, दीज ऑल आर दो स्टेप्स विच आर मेनली सम ऑफ द स्टेप्स अकरिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड सम ऑफ देयर स्टेप अकरिंग इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके कुछ स्टेप्स साइटोप्लाज्म में जाएंगे, कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों। तो इस तरह हीम भी एक प्रोसेस है जिसके कुछ स्टेप्स साइटोप्लाज्म में होंगे और इसके कुछ स्टेप्स कहाँ पे होंगे? दैट विल बी साइटोप्लाज्म। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि जो हीम सिंथेसिस है, हीम सिंथेसिस, इसको हमने देखना है कि हीम सिंथेसिस हमारे पास किस तरह होती है। हीम सिंथेसिस की जो प्रीकर्सर स्टेप है, सबसे पहला स्टेप याद रखना है एमसीक्यूज में, दैट इज अकोरिंग इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। देखें, हीम सिंथेसिस का जो पहला स्टेप है
इसमें दो चीजें आपस में मिल जाती है, कौन कौन सी, सक्सिनाइल को ए प्लस वन ऑफ द अमाइनो एसिड नोन एज ग्लाइसिन, ये दोनों आपस में मिल जाती है। मैं यहाँ पे आप लोग को एमसीक्यूज बताऊंगा, आप लोगों को वो नहीं कहेंगे कि ड्रा द डायग्राम ऑफ हीम, आप लोगों को वो यहाँ से एमसीक्यूज पूछेंगे, वो आप लोगों को निकालने चाहिए। देखिए हीम सिंथेसिस में द फर्स्ट स्टेप, तो ये भी एमसीक्यूज बन गया बायोकेमिस्ट्री का, विच अमाइनो एसिड टेक पार्ट इन द हीम सिंथेसिस, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जब सक्सिनाइल को ए के साथ मिलता है तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो लिवोलेनिक एसिड, इससे क्या बन जाता है, ALA, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड, ठीक है, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड। लेकिन इस स्टेप के अंदर जो एंजाइम काम करता है, इस स्टेप के अंदर वो एंजाइम जो अमाइनो लिवोलेनिक एसिड सिंथेसिस करेगा, तो उस एंजाइम का नाम क्या है, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड अनसरेस सिंथेस, ठीक है। तो यहां पे लेके यहां पे अमाइनो अमाइनो लिवोलेनिक एसिड सिंथेस, ठीक है जी। सो दिस इज द एंजाइम विच बेस्ट वर्क स्पेशली इन द हीम सिंथेसिस। अब ये अमाइनो लिवोलेनिक एसिड जब बन जाता है तो अमाइनो लिवोलेनिक एसिड ये हमारे पास क्या होता है, शाबाश, ये हमारे पास फिर माइटोकॉन्ड्रिया से लीक करके कहाँ पे चला जाता है, साइटोप्लाज्म में। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो पहला स्टेप है ये सेल के किस पार्ट में हो गया, दिस स्टेप विच इज अकरिंग इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। वाई, क्योंकि ALA, जो ALA है अमाइनो लिवोलेनिक एसिड सिंथेस, ये एंजाइम ही कहाँ पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पे एक और एमसीक्यू याद रखे, दिस एंजाइम रिक्वायर्ड अ को फैक्टर व्हाट, वाइटामिन B6, इसको B6 चाहिए। सो दिस एंजाइम रिक्वायर्ड विटामिन बी सिक्स एज अ को फैक्टर। इसका मतलब ये है कि इस एंजाइम को काम करने के लिए विटामिन B6 पैराडॉक्सिन एज अ को फैक्टर चाहिए। फिर ये जनाब यहाँ से बाद ये जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे, दिस अकरिंग इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, क्योंकि अब इसके बाद जो स्टेप्स है ये साइटोप्लाज्म में आएंगे। तो ये अमाइनो लिवोलेनिक एसिड कन्वर्ट होता है पोर्पोबिलिनोजन, ये पोर्पोबिलिनोजन यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसका नाम है अमाइनो लिवोलेनिक एसिड लोनिक एसिड डिहाइड्रेटेस, उसका नाम क्या है, अमाइनो लिवोलोनिक एसिड डिहाइड्रेटेस। तो भाई यहां से जनाब अमाइनो लिवोलोनिक एसिड कौन सा एंजाइम काम कर गया, डिहाइड्रेटेस, क्या है, ओके जी। नेक्स्ट एक और यहां पे लिखना है कि ये थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, पोर्पोबिलिनोजन फिर ये कन्वर्ट होता है एक और प्रोसेस में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, इसका जो फुल फॉर्म है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, हाइड्रोक्सी मिथाइल बेलीन, हाइड्रोक्सी मिथाइल बेलीन, हाइड्रोक्सी मिथाइल बेलीन, ठीक है, बेलीन, हाइड्रोक्सी मिथाइल बेलीन। और इसमें जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है पोर्पोबिलिनोजन, पोर्पो बेलिनोजन डी एमिनेस, डी एमिनेस, पोर्पोबिलिनोजन डी एमिनेस। और ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बेलीन बेलीन ये फिर कन्वर्ट होता है एक और फॉर्म में, इस फॉर्म को हम कहते हैं कोप्रो फोर पायरोजिन, कोप्रो फोर पायरोजिन, कोप्रो फोर पायरोजिन। और ये कोप्रो फोर पायरोजिन कन्वर्ट होगा प्रोटो फोर पायरिन में, प्रोटो फोर पायरिन, ये प्रोटो फोर पायरिन सिंथेसिस है। और यहाँ पे इस हाइड्रोक्सी मिथाइल बेलीन को कोप्रो फोर पायरोजिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत जरूर होती है, उसका नाम है यूरो या पोर यूरो पोर पायरोजिन डी कार्बोक्सिलेस, यूरो पायरोजिन डी कार्बोक्सिलेस। आप लोग कहोगे कि ये डिफिकल्ट है, बट दिस इज
द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द एग्जाम क्वेश्चन। इसमें अभी हम एमसीक्यूज हल करेंगे, नो नीड टू रिमेंबर टू मेमोराइज ऑल दोस थिंग, लेकिन इसमें कुछ एमसीक्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोटोफोरपायरिन ये कहाँ पे बन गया, ये साइटोप्लाज्म में, इसको फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में लिया जाता है। अब यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म से फिर किधर शिफ्ट हो जाता है, शाबाश, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस प्रोटोफोरपायरिन के साथ किसको मिलाया जाता है, हाँ जी आयरन, किसको मिलाया जाता है, आयरन बाय द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, फीरोचिलेटेस, चिलेटेस। और फीरोचिलेटेस जब इस प्रोटोफोरपायरिन और आयरन को मिलाए तो उससे क्या बन जाएगा, हीम बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, हीम बन जाएगा। तो जो हीम सिंथेसिस है ये, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दी हीम सिंथेसिस। तो हीम सिंथेसिस का जो पहला स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, और हीम सिंथेसिस का जो आखिरी स्टेप है वो भी किधर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो ये वाले हैं, ये सारे के सारे फर्स्ट और लास्ट के अलावा जितने भी रिमेनिंग स्टेप्स हैं वो कहाँ पे हो गए, साइटोप्लाज्म में हो गए। यहाँ तक क्लियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल इस स्टेप के अंदर कुछ भी हो जाए, इधर देख, इस स्टेप के अंदर कुछ भी आ जाए तो प्रोटोफोरपायरिन नहीं बनेगी, चाहे किस चीज़ की लेवल ज़्यादा हो, आयरन। तो जब प्रोटोफोरपायरिन हम नहीं बनाएंगे तो आयरन अकेला रह जाएगा, तो हीमो नहीं बनेगा। जब हीम नहीं होगा, हीमोग्लोबिन की लेवल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ऐसा एनीमिया जिसका मेन रीजन किस चीज़ की डिफेक्टिव सिंथेसिस हो, प्रोटोफोरपायरिन, उसको क्या कहते हैं, सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अब सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया का वजह क्या है, डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ प्रोटोफोरपायरिन। अब ये डिफेक्टिव सिंथेसिस क्यों होगी, व्हाट इज द रीजन, तो लेके कॉजेस, व्हाट आर द कॉजेस, कि वो कौन कौन सी कॉजेस है जिसकी वजह से डिफेक्टिव सिंथेसिस होगी। ठीक है, डिफेक्टिव सिंथेसिस में सबसे नंबर वन लेके कंजेनेटल डिफेक्ट। कंजेनेटल का मतलब क्या है, बाय बर्थ। कंजेनेटल काज अगर आ जाए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आंसर इज ALA सिंथेस डेफिशिएंसी। वो लोग जिसमें बाय बर्थ बच्चों में ALA सिंथेस की डेफिशिएंसी हो, यार ये रेट लिमिटिंग, हाँ जी अनदर एमसीक्यूज, रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर हीम सिंथेसिस, आंसर इज ALA सिंथेस। ये लिमिट ये क्या करता है, सेंस करता है कब मैंने ज्यादा हीम बनाना है, कम बनाना है। तो रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है, ALA सिंथेस है। तो इसका मतलब डेफिशिएंसी, ALA सिंथेस डेफिशिएंसी, ALA सिंथेस डेफिशिएंसी, मतलब ऐसे लोग जिसमें बाय बर्थ ALA एंजाइम हो ही नहीं, इसकी डेफिशिएंसी हो, तो पहला ही स्टेप हमारे पास क्या हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। और अगर पहला स्टेप ब्लॉक हो जाए, पहला स्टेप रेट लिमिटिंग एंजाइम खराब हो जाए, तो फिर आगे प्रोटोफोरपायरिन रिंग नहीं बनेगी। और जब प्रोटोफोरपायरिन रिंग नहीं बनेगी, इसका मतलब क्या है, हमारे पास हीम सिंथेसिस नहीं होगी। दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया इन यंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन काज ये है। इसकी सिवियरिटी भी ज़्यादा है क्योंकि ये तो पहला स्टेप ही नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट काज में लेके अक्वायर्ड काजेस आफ्टर द बर्थ। अक्वायर्ड मतलब ये है कि कुछ लोगों में ALA तो ठीक है, लेकिन आफ्टर द बर्थ उन लोगों में कुछ इश्यूज आती है जिसकी वजह से जनाब हमारे पास प्रोटोफोरपायरिन सही तरीके से नहीं बनेगी। तो नंबर वन इज अल्कोहलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया आफ्टर द बर्थ। एक्वायर्ड काजेस के अंदर MCC स्टैंड फॉर मोस्ट कॉमन काज। तो बिफोर मतलब बाय बर्थ सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया की जो कॉमन काज है वो हमारे पास क्या है, जट इस कार्ड लो, ALA सिंथेस डेफिशिएंसी। लेकिन आफ्टर द बर्थ मोस्ट कॉमन काज क्या है, अल्कोहल है। वाई, अल्कोहल कैन टारगेट टू डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया। और लास्ट स्टेप कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है हीम सिंथेसिस की। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज है तो इन दोनों की आपस में मिलाप होगी नहीं, तो डिफेक्ट हो गया ना, इसका मतलब यह है कि देयर विल बी सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट देखें, व्हाट विच ड्रग कैन कॉज सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया, आइसोनियाजिड यूज, आइसोनियाजिड, व्हाट इज आइसोनियाजिड, इट इज द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ TB, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम INHB कहते हैं। वाई आइसोनियाजिड कैन कॉज सेरेब्रोब्लास्टिक, इट कैन कॉज विटामिन B6 डेफिशिएंसी। और बीटा 6 गोली इसलिए देते हैं आइसोनियाजिड के साथ
ताकि पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो और पेशेंट को सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया ना हो। तो इसका मतलब एटकेन कास विटामिन बी सिक्स डेफिशिएंसी, तो ये विटामिन बी सिक्स डेफिशिएंसी कराता है। और विटामिन बी सिक्स इटसेल्फ रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ एएलए सिंथेस, तो तुक बनता है कि नहीं बनता, इसलिए आइसोनियाज़िड इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रिमेंबर फॉर द एग्जाम के देर इज लीड पॉइजनिंग, किसके अंदर, लेट पॉइजनिंग के अंदर भी सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया के चांसेस ज्यादा होती है। व्हाई, द रीजन इज लेड इज अ मेटल, इसकी क्रोनिक पॉइजनिंग को एक और नाम भी कहते हैं, कभी कभार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग कैन कॉज सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया, इट इज कॉल्ड प्लम्बिज्म, इसको हम क्या कहते हैं, प्लम्बिज्म। ये फोरेंसिक मेडिसिन में हमने MBBS वक्त में पढ़ा है, प्लम्बिज्म इज अ क्रोनिक लेट पॉइजनिंग, ठीक है। इसके अंदर ALA लेट कैन टारगेट ALA डिहाइड्रेटेस, ये किस एंजाइम को टारगेट करता है, ALA डिहाइड्रेटेस, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेस। दूसरी बात, लेट कैन टारगेट फिरोचिलेटेस, ये किसको टारगेट करता है, फिरोचिलेटेस। तो ये रास्ते में भी जाकर किसको ब्लॉक करता है, ALA डिहाइड्रेटेस, तो डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ प्रोटोफॉर्मिन कराता है और यहाँ पे आखिर स्टेप्स को भी खत्म कर देता है। तो दोनों साइड से इट कैन काज मैसिव डैमेज, लेड पॉइजनिंग जरूर याद रखें, ठीक है। लेड पॉइजनिंग के बारे में एक दो पॉइंट जरूर याद रखें। नंबर वन, देखे ये पॉइजनिंग क्या है, LEAD, तो LEAD इज ए लेड। लेड पॉइजनिंग में एक नमूने को मैं आसान बताता हूँ कि देर विल बी लाइन्स ऑन द गम, इसका मतलब ये है कि जो लीड है इसकी पॉइजनिंग में गम्स के ऊपर क्या आती है, देर इज ब्लू लाइन, उसका एक नाम होता है, दैट इज कॉल्ड बर्टूनियन लाइन, उसको क्या कहते हैं, बर्टूनियन लाइन ऑन द गम इज विच पॉइजनिंग, आंसर इज लेड पॉइजनिंग। इसमें मीज लाइन ऑन द नेल इज आर्सेनिक पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग में मीज लाइन है और जो लेड पॉइजनिंग है इसके अंदर कौन सी लाइनिंग आती है, आंसर इज बर्टूनियन लाइन। बर्टूनियन लाइन हमें कहाँ पे मिलेगी, ये हमें हमारे पास मिल जाती है गम्स के ऊपर। ई स्टैंड फॉर कि जो लेड पॉइजनिंग है, लेड पॉइजनिंग इधर देखें, ये क्या करती है, एरिथ्रोसाइट बेजोफिलिक स्टिपलिंग का नाम सुने कि नहीं, बेजोफिलिक स्टिपलिंग, ये ब्लड स्मेयर के अंदर, ब्लड पेरिफेरल स्मेयरिंग में इज द हॉल मार्क ऑफ लेड पॉइजनिंग, बेजोफिलिक स्टिपलिंग। जब भी एग्जाम में आ जाए ऐसा पॉइजनिंग जिसकी सीरम में, ब्लड में बेजोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिल जाए, देट विल बी लीड पॉइजनिंग। तो लीड पॉइजनिंग इज कैरेक्टराइज बाई द बेजोफिलिक स्टिपलिंग, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट कुछ, बेजोफिलिक स्टिपलिंग का मतलब यह है कि जो इमेच्योर RBC है उसको डैमेज करके उसमें ग्रेन्यूल आ जाती है, स्टिपल मीन ग्रेन्यूलर इमेच्योर RBC, बेजोफिलिक स्टिपलिंग हो जाता है। और लेट कैन काज ई फॉर एनसेफेलोपैथी, ये क्या करा सकती है, एनसेफेलोपैथी। ए स्टैंड फॉर अब्डोमिनल पेन और क्या करा सकती है, एफ आर अनीमिया। अब लेट के अंदर कौन सी अनीमिया भी हम पढ़ रहे हैं, अनीमिया तो होगी लेकिन लेट कैन काज सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया। सेड्रो और डी फॉर ईडीटीए, इसका क्या है, दैट इज द एंटीडोट, सो ईडीटीए भी एंटीडोट में दे सकते हैं और इसके लिए हम डाइमर कैप्रोल भी दे सकते हैं, ठीक है, डाइमर कैप्रोल। तो डी फॉर डाइमर कैप्रोल। और कभी कभार ये CPSP वाले ये भी पूछते हैं, लेट फॉर मोस्ट इफेक्टिव एंटीडोट फॉर लेट पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर अगर लेड पॉइजनिंग हो जाए उसके लिए मोस्ट इफेक्टिव एंटीडोट कौन सा है, आंसर इज सक्सीमर, ठीक है, ये याद रखें, सक्सीमर इज द मोस्ट इफेक्टिव एंटीडोट फॉर द लेड पॉइजनिंग स्पेशली इन चिल्ड्रन। लेकिन बड़ों में ADTA भी देते हैं, ठीक है, और डाइमर कैप्रोल भी देते हैं। तो दीज व्हाट आर द, तो बेजोफिलिक स्टेपलिंग इज अ हॉल मार्क ऑफ लेड पॉइजनिंग, ब्लू लाइन ऑन द गम्स, बर्टूनियन लाइन, एनीमिया, सेरेब्रोब्लास्टिक, एब्डोमिनल पेन एंड ईडीटीए। लिट कहाँ पे होता है, ये पेंट्स वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑटोमोबाइल बैटरीज वगैरह के अंदर,
इसकी जो पॉइजनिंग चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर जनाब लेट के पॉइजनिंग चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक कंडीशन और लेके, अगर फॉर एग्जांपल ये पोर्पोबिलिनोजेन डी अमीनेस खराब हो जाए, इधर देखिए ये सिर्फ याद रखे डैमेज टू व्हाट, पोर्पोबिलिनोजेन डी अमीनेस, इससे कंडीशन होता है उसका नाम है एक्यूट, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा अलग चैप्टर्स के साथ, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरपायरिया, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरपायरिया। सो एक्यूट इंटरमिटेंट पोरपायरिया के अंदर पोर्पोबिलिनोजेन ये क्या होता है डी अमीनेस, ये डैमेज हो जाता है। क्लियर है, तो इसमें भी सिडरोब्लास्टिक एनीमिया तो आएगी आएगी। ठीक है, ये हम आगे फिर पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन दिस इंटरमिटेंट पोरपायरिया। एक होते पोरपायरिया क्यूटेनिया टाडा, पोरपायरिया क्यूटेनिया टाडा के अंदर यूरोपायरोजेन डी कार्बोक्सिलेट डिफिशेंसी है। यूरोपायरोजेन डी कार्बोक्सिलेट डिफिशेंसी कैन काज व्हाट, इट कैन काज पोरपायरिया क्यूटेनिया टाडा, और जिसके अंदर जो डेफिशिएंसी है वो अक्यूट इंटरमिटेंट पोरपायरिया कराता है। ठीक है, पोरपायरिया लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लेड पॉइजनिंग की ये केसेस बताई है दे आर हाईली टेस्टेड अपॉन दी एग्जाम्स। ठीक है, तो ये याद करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन दी कमिंग लेक्चर्स।